हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो अगेन वेलकमिंग यू टू द करंट अफेयर्स लेक्चर आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स जैसे जैसे आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है ओके सिविल सर्विसेज नज़दीक आ रहा है यू नीड टू इंक्रीज योर रिविजन टाइमिंग आपने जो अब तक पढ़ा है उसको आपको बार बार रिवाइज़ करने का एक रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा और इसी के साथ आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स का लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू एन इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशन विथ बोथ यू एंड इंडिया एंड रशिया तो इंडिया के जो रिलेशन है वो यूएसए और रशिया के साथ एक डील की वजह से uh, कैसे चर्चा में है कैसे न्यूज़ में है हमें वो देखना है और वो जो लॉ है दैट इज द काटसा लॉ फ्रॉम द यू एस है तो यू एस ए का एक काटसा लॉ है और इंडिया रशिया के साथ एस फोर जीरो ज़ीरो का डील कर रहा है तो अगेन 2019 में ये चर्चा में आया था 2021 में वापस एक बार ये डिस्कशन uh, में है तो हम क्या है ये देखेंगे सो द यू एस लॉ मेकर्स कंटिन्यू टू वॉइस देयर सपोर्ट फॉर अ सेंक्शन वेवर फ्रॉम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू ज एक्ट फॉर इंडिया तो देखिए काटसा का पूरा नाम क्या है काउंट्रिंग अमेरिकाज़ एडवर्जरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट काटसा इंडिया बेसिकली ये एक्ट क्या है ये एक्ट के तहत अगर कोई कंट्री यूएसए के किसी अपोजिट कंट्री के साथ अगर कोई डिफेंस की डील करता है तो यूएसए उसके ऊपर सेंक्शन लगा सकता है इस लॉ में ये आ, लिखा गया है अब इंडिया की अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंडिया का इंटरनेशनल जो रिलेशन है इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन यूएसए के साथ भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं और रशिया के साथ तो हमारे पहले से फ्रॉम द इंडिपेंडेंस हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं ये दोनों आपस में दुश्मन इन दोनों की ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है बट दो में इंडिया को क्योंकि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक पावर है आ, इंटरनेशनल uh, इन्फ्लुएंस है वो क्यों इतना बढ़ चुका है कि यू ने एस फोर ज़ीरो ज़ीरो की जो हमारी डील हो रही थी एस फोर ज़ीरो ज़ीरो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी की जो डील हो रही थी रशिया के साथ यू ने अपने लॉ में बदलाव करके हमें एग्जाम्शन दिया था ओके okay, इंडिया को एक अपवाद के तौर पर रशिया के साथ डील करने के लिए परमिशन दे दी गई थी उसी एक्सटेंशन को उसी सेंक्शन वेवर को एक्सटेंड करने की बात यूएसए के लॉ मेकर्स वापस कर रहे हैं इन अक्टूबर 2018 इंडिया साइन अ 5.43 बिलियन यूएस डॉलर डील विथ रशिया फॉर द एस फोर जीरो जीरो ट्राइव मिसाइल सिस्टम डिस्पाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम द यू एंड द थ्रेट ऑफ सेक्शन अंडर काट्सा इंडिया इज लाइकली टू बिगेन टेकिंग डिलीवरी ऑफ S400 फोर जीरो जीरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया इन नवम्बर ट्वेंटी वन तो देखिए अगले महीने से इसकी जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो गई एंड दट्स वाई अगेन इट इज़ इन द डिस्कशन क्या है काट्सा एक्ट सो इट इज़ द यू एस फेडरल लॉ एनेटेड इन ट्वेंटी सेवनटीन द एक्ट एम्पावर्स दू एस प्रेसिडेंट टू इम्पोज एट लिस्ट फाइव ऑफ द ट्वेल्व स्टेट सेंक्शन ऑन परसन एंगेजड इन अ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर्स तो यूएसए नहीं चाहता कि उसका कोई भी फ्रेंडली एलए रशिया के साथ किसी किस्म की डिफेंस डील या इंटेलिजेंस सेक्टर के डील में इंडल्ज हो बट क्योंकि इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि इंडिया के इंडिया के लिए काफ़ी सारा खतरा है चाइना के साथ खतरा है पाकिस्तान के साथ खतरा है अब चाइना और यू पक्के दुश्मन है रशिया से भी ज़्यादा दुश्मनी चाइना और आ, इंडिया के सॉरी यू के बीच में है तो इसीलिए यू एस ये विवर देने के लिए रेडी हुआ था इट इज़ इट्स अल्टीमेट गोल इज टू प्रिवेंट रेवेन्यू फ्रॉम फ्लोइंग टू द रशियन गवर्नमेंट बिसाइड्स रशिया काटसा इज एम्ड एट एनफोर्सिंग सेक्शंस अगेंस्ट ईरान एंड नॉर्थ कोरिया तो ये ईरान और नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी एफ के ब्लैक लिस्ट में है तो इन तीनों कंट्रीज़ के साथ किसी भी किस्म का ट्रेड या डिफेंस सेक्टर का डील नहीं होना चाहिए इस लॉ का अल्टीमेट गोल ये है और जो कंट्री जो यूएसए का फ्रेंड फ्रेंडली अलाई है वो अगर ऐसी डील में इंडल्ज होता है तो यूएसए प्रेसिडेंट कैन इम्पोज सम काइंड ऑफ़ सेंक्शन ऑन दैट कंट्री टाइप ऑफ सेंक्शन कौन से होंगे सो द काट्सा कंटेन्स ट्वेल्व टाइप्स ऑफ सेंक्शंस

एक्सपोर्ट सेंक्शन लगा दिए जाएंगे जिससे ट्रेड में काफ़ी बुरा असर पड़ेगा सो दिस सेकेंड सेंक्शन विल हैव अ ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसिस फॉर इंडिया यू एस रिलेशन दिस इज द एक्सपोर्ट सेंक्शन विच हैज़ द पोटेंशियल टू कंप्लीटली डी रेल द इंडिया यू एस स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप एंड इट विल डिनाई द लाइसेंस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एनी आइटम्स कंट्रोल्ड बाई द यू एस वेवर क्राइटेरिया दू एस प्रेसिडेंट वॉज गिवन दी अथॉरिटी इन 2018 एटीन टू वेव काटसा सेंक्शंस ऑन अ केस बाई केस बेसिस तो देखिए हमारी जो अभी रिसेंटली जो मुलाकात हुई थी बिटवीन दी यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो काफ़ी पॉजिटिव रही और उससे हमारे जो रिलेशन थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने और एक नए ऊँचाई पर पहुँचे हैं सो so, जो रिपोर्ट्स आ रहे उसके हिसाब से का, काटसा के अंतर्गत यूएसए से हमें सेंक्शन वेवर के लिए एक्सटेंशन दे देगा नाउ व्हाट इज़ दिस रशिया एस फोर जीरो जीरो ट्रैंक मिसाइल सिस्टम जो हम रशिया से ख़रीद रहे हैं और जिसके वजह से हमारे जो रिलेशन uh, है बिटवीन बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड यू एंड इंडिया एंड रशिया वो टर्मोइल में आकर रुके हैं सो so, क्या है इट्स अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन बाय रशिया इट इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज एस एम इन द वर्ल्ड कंसिडर्ड मच एहेड ऑफ़ द यू एस डेवलप्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार्ड तो देखिए बेसिकली ये मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है अगर इंडिया इसको अक्वायर कर लेता है तो ऑन बोथ दी फ्रंट पाकिस्तान एंड चाइना को हम अच्छे तरीके से काउंटर कर पाएंगे इट इंटीग्रेट्स अ मल्टी फंक्शन रेड ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम्स anti aircraft missile system launchers and command and control center it is capable of firing three types of missile to create a layered defense the system can engage all types of aerial targets including aircraft unmanned aerial vehicles and ballistic and cruise missiles within the range of 400 kilometers at an altitude of up to 30 kilometers

चाइनाज एक्विजेशन ऑफ द एस फोर जीरो सिस्टम हैज़ बीन व्यूड एज अ गेम चेंजर इन द रीजन हवेवर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट इंडिया इज लिमिटेड इंडियाज एक्विजेशन इज क्रूशियल टू काउंटर अटैक्स इन टू फ्रंट वॉर इंक्लूडिंग इवन हाई एंड एफ थर्टी फाइव यू एस फाइटर एयरक्राफ्ट तो हम दोनों फ्रंट पे इससे हमारा जो डिफेंस है उसको हम स्ट्रेंदन कर पाएंगे इंडिया और यूएसए के बीच में कैसा डिफेंस कोऑपरेशन है सो बोथ कंट्रीज साइंड अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन इन 2005 व्हिच वाज विच फर्दर अपडेटेड फॉर 10 इयर्स इन 2015 जो कि एनफोर्स uh, रहेगा 2025 तक द यूएसए रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016 ओके okay, आफ्टर uh, 2014 हमारे पास जब नई गवर्नमेंट आई तो uh, हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको काफ़ी नई हाइट्स मिली एंड एज ऑफ नाउ अवर डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ बोथ रशिया एंड यू एस ए आर स्ट्रोंगर देन एवर द डेजिग्नेशन अलाउज इंडिया टू बाई मोर एडवास्ड एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अमेरिका एट पार विट ऑफ द यू एस इज क्लोजेस्ट अलायज एंड पार्टनर्स इंडिया एंड यू एस इंड इम्पॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड ऑल्सो फॉर्मलाइज्ड द फोर नेशन अलायंस ऑफ क्वाड दैट इज इंडिया यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड के बारे में वी हैव मल्टीपल टाइम्स डिस्कस्ड इन अवर लेक्चर्स यूएसए के साथ फोर फंडामेंटल डिफेंस एग्रीमेंट्स हमें साइन करने हैं जिसमें से कौन से कौन से हैं उनका रिलेवेंस क्या क्या है कौन से कौन से साइन हो चुके हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या है वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे तो देखिए पहला है दैट इज़ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस विच इज़ पॉपुलरली नोन एज़ बेका तो ये हम काफ़ी पहले ही साइन कर चुके हैं और उसमें क्या होगा कि इंटेलिजेंस जो है दोनों आर्मीज़ के बीच में दोनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में दोनों कंट्रीज़ के बीच में तो वो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस दोनों शेयर करेंगे अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो दी जाएगी नेक्स्ट जो है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन अग्रीमेंट दैट इज़ जी एस ओ एम आई ए तो मिलिट्री इन्फॉमेसन अगर कोई एक्सक्लूसिव डिफेंस मिलिट्री इन्फॉर्मेसन है मिलिट्री इनपुट्स हैं उनको शेयर किए जाएंगे अंडर जी एस नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोवा उसके बाद है तो लॉजिस्टिक के चलते जो भी कोई अगर बेस इंडिया को यूज़ करना हो यू का या यू इंडिया का कोई बेस यू को यूज़ करना हो तो दैट इज़ अंडर लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोवा कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉम तो वी हैव कम्युनिकेशन बेस पे जो सेटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है ऑल दोज इंफॉर्मेशन ऑल्सो कैन बी शेयर बिटवीन द टू कंट्रीज यू मिलिट्री इक्विपमेंट इन इंडिया कौन से कौन से है सो इंडियन एयरफोर्सेस सी सेवनटीन लिफ्टर्स अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड सी वन थर्टी जे स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट इंडिया नेवीज़ पी एट आई सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट एंड द इंडियन आर्मीज एम ट्रिपल सेवन अल्ट्रा लाइट होविजर्स इतना हमने यू एस ए के पास से लिया हुआ है डिफेंस एक्सरसाइज हम कौन सी करते हैं यू एस ए के साथ सो so, एक है मालाबार एक्सरसाइज जो कि क्वाड कंट्रीज़ की मिलिट्री एक्सरसाइज है विच इंक्लूड्स uh, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यू एस ए युद्ध अभ्यास इट्स एन आर्मी एक्सरसाइज कोप इंडिया एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड वज्र प्रहार इज ए स्पेशल फोर्सिस एक्सरसाइज तो डिफेंस एक्सरसाइज और जब हमारे इंडिया uh, और चाइना के रिलेशन टर्मोइल में है यूएसए और चाइना के रिलेशन में बहुत डाउन uh, ट्रेल हमें देखने को मिल रहा है ऐसी कंडीशन में अगर कोई कंट्री चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है तो एवरी कंट्री हैज़ टू सपोर्ट इंडिया क्यों क्योंकि पूरे एशिया रीजन में अगर कोई कंट्री चाइना को काउंटर कर सकता है या चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोक सकता है तो उसके लिए किसी भी कंट्री को इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट्स वाई इंडियाज़ डिप्लोमेटिक स्टेटस uh, और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो है हमारा वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड यू एस एंड वाई यू एस लाइकली टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन इन द डिफेंस वेवर ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पैगास केस वॉट इज़ पैगास और क्या है ये पैगास केस वाई अगेन इट इज़ इन न्यूज़ और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है सो so, देखिए कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ा एलिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाया गया था बाय मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स बाय विपक्ष के जो नेता थे लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से मल्टीपल अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टूल का इस्तेमाल प्राइवेट सिटीज़न के ऊपर जासूसी करने के लिए स्पाई करने के लिए पैगास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है अब पेगासस क्या है तो पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसराइल की एक कंपनी ने बनाया है वो आपके फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा और ओनर को पता भी नहीं चलेगा और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सीधा सीधा स्पाई uh, उसके ऊपर किया जा सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन है जो बड़े बड़े मल्टीपल uh, स्टेट्स के जो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स हैं न्यूज़ एडिटर्स हैं लॉयर्स हैं बड़े बड़े उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया था कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के ऊपर यू आर स्पाइंग और आप इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिनाइड ऑल द एलिगेश बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ नोट ऑन दिस और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी बनाई है सो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी टू बी ओवर सीन बाय रिटायर्ड एपेक्स कोर्ट जज और उसको नाम दिया गया है जस्टिस रविंद्रन कमेटी इन दैगासस केस ओके सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकस सॉफ्टवेयर के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो क्या है दैट इज जस्टिस रविंद्रन कमेटी अंडर द केस द यूनियन गवर्नमेंट इज एलिजिड टू हैव यूज स्पाइवेयर फॉर सर्वेलेंस ऑन प्राइवेट सिटीजन देखिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती वाई बिकॉज वी हैव प्राइवेसी के मल्टीपल लॉज है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है सो गवर्नमेंट विदाउट द परमिशन और विदाउट द एसेंट कैन नॉट स्पाई ऑन एनी वन अन इट इज़ अ इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी राइट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है सो जुडिशियल प्रिंसिपल अगेंस्ट बायस क्या है सो द कोर्ट रिजेक्टेड द गवर्नमेंट्स प्लीट टू सेटअप इट्स ओन प्रॉब्लम तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है आप खुद कैसे कमिटी सेटअप कर सकते हो वी विल सेटअप द कमेटी हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है क्यों क्योंकि आपके ऊपर ही एलिगेशन लगाए गए हैं द कोर्ट असर्टेड दैट द गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोब वुड वायोलेट द सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल अगेंस्ट बायस मीनिंग द जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन ओके तो दिस इज वेरी वेग काइंड ऑफ सीनारी गवर्नमेंट के ऊपर uh, uh, एलिगेशन लगा है गवर्नमेंट अपने मनपसंद आदमियों की कमेटी बना रही है और जो आउटपुट होगा वो भी किसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा सो so, लॉ का इस तरीके से मजाक नहीं बनाया जा सकता एंड सुप्रीम कोर्ट वॉन्ट्स टू प्रूव दैट एंड दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेटअप देयर ओन कमेटी फॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी सो ऑन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट्स इन

एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट सर्वेलेंस एंड एनहांस साइबर सिक्योरिटी ऑफ दी कंट्री देखिए इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का जो फंडा है जो आइडिया है इट इज़ वेरी न्यू ओके वी रैंडमली इंस्टॉल टू मैनी अननेसेसरी एप्लीकेशंस इन अवर फोन इन अवर लैपटॉप और हम परमिशन को अग्री 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 करते जाते हैं हम परमिशन दे देते दे हैं वी डू नॉट नो हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे डेटा का एक्स वाई जेड कंपनी जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रही है वो आपके फ़ोटोज़ के साथ क्या कर रही है आपके ऐसे मेसेज के साथ क्या किया जा रहा है वी डू नॉट नो सो इंडिया में जो साइबर प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी न्यू द कोर्ट हैज सेट सेवन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कमिटी विच आर एसेंशियली फैक्ट्स दैट नीड टू बी असरटेड टू डिसाइड द इश्यू ओके तो देखिए सेवन सेवन टर्म्स डिसाइड किए गए जिसके बेसिस पे कमिटी uh, को आगे बढ़ना है कौन से है वो सेवन टर्म्स रिकमेंडेशन देने के लिए सो रिगार्डिंग एनेक्टमेंट और अमेंडमेंट ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर्स ऑन सर्वेलेंस एंड टू सिक्योर इम्प्रूव्ड राइट टू प्राइवेसी तो हमें राइट टू प्राइवेसी को बेहतर से बेहतर बनाना है कमेटी को एक चीज़ ध्यान में रखनी है नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कमेटी के लिए ऑन फोकस रिगार्डिंग एनहांसिंग एंड इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी ऑफ नेशन एंड इट्स असेट्स सो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी सिटीज़न uh, की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी को भी हमें अल्टीमेटली डिफेंड करना है तो उसके ऊपर ध्यान देना है कमेटी को थर्ड टू एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजन ऑफ राइट टू प्राइवेसी अदर देन लॉफुली बाय स्टेट एंड और नॉन स्टेट एंटिटीज यूजिंग सच स्पाइवेर ओके तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए राइट टू प्राइवेसी का इन्वेजन ना हो ये तय किसको करना है इसके लिए भी कमेटी को अपने रिकमेंडेशन देने हैं। रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मिकैनिजम टू फ्लैग सस्पिशन ऑफ इलीगल सर्वेलेंस ऑफ डिवाइसेस, फिफ्थ इज रिगार्डिंग सेटिंग अप अ वेल इक्विप्ड इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट साइबर सिक्योरिटी वलनेबिलिटीज एंड साइबर अटैक्स एंड एस एस साइबर अटैक थ्रेट्स तो हमारे पास ऐसी कोई प्रीमियर ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में काम करे जो कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए एडवाइस भी कर सकती है ऐसी एक प्रीमियर एजेंसी हमारे पास होनी चाहिए सिक्स वन इज़ रिगार्डिंग एनी एडहॉक अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट अनटिल पार्लियामेंट इज एबल टू फिल द गैप ओके तो जब तक पार्लियामेंट इसके लिए एक प्रॉपर लॉ नहीं बना देती एक प्रॉपर एजेंसी क्रिएट नहीं कर देती तब तक हमारे पास एक एडवोक एजेंसी होनी चाहिए जो आने वाले एक दो या तीन सालों तक जब तक पार्लियामेंट के पास प्रॉपर लॉ नहीं बन जाता साइबर सिक्योरिटी के ऊपर नजर रखे ऑन एनी एनसी मैटर द कमिटी में डीम फिट एंड प्रॉपर तो कमिटी जो और आ, इन्वेस्टिगेशन के टाइम और जो जो चीज़ें ध्यान में आएगी वहाँ पे भी कमिटी रिकमेंडेशन अपने सुप्रीम कोर्ट को जमा कर सकती है तो इन सात बेसिक मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी बनाई है आर वी रविन्द्रन कमेटी को काम करेगी और इंस्टिप्यूलेटेड टाइम अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा इश्यू एड्रेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जब कोई इश्यू को अड्रेस करती है तो इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हो जाती है राइट टू प्राइवेसी क्या है सो द कोर्ट रिइटरेटेड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अक्रोसेंट ऑफ एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड इज इन एलियनेबल टू ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनोमी ओके नो बढ़ी चाहे वो आपके कितना भी नज़दीक का रिलेशन वाला क्यों ना हो वो आपका फ़ोन उठाकर ही और शी कैन नॉट स्टार्ट रीडिंग योर मैसेज और फोटोज़ नहीं देख सकता वाई बिकॉज दैट इज़ अ राइट टू प्राइवेसी तो कोई अननोन इंसान या गवर्नमेंट को ये हक नहीं है कि किसी कॉमन सिटीज़न के मेल या व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज़ को पढ़े राइट सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड दिस वेरी क्लियर अगेन एंड अगेन द राइट टू प्राइवेसी वाज़ हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट इन के एस पुट्टुस्वामी केस 2017, एनी सर्वेलेंस और स्नूपिंग डन ऑन एनी इंडिविजुअल बाय द स्टेट और एनी आउटसाइड एजेंसी इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दट पर्सन राइट टू प्राइवेसी ओके सो इट्स अ कम्प्लीट वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट इसको चलाने के मूड में नहीं है सर्वेलेंस ऑन फ्री ऑफ स्पीच भी होना चाहिए अब देखिए राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मैं देर इज नो बार ऑन राइट टू फ्रीडम ओके इट डजेंट मीन लाइक दैट। इन अ जस्टिफाइड वर्ड इन अ प्रॉपर वर्ड यू हैव राइट टू फ्रीडम बट अगर आप उसको वायोलेट करने की कोशिश करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बड़ा क्लियर कर दिया है कि राइट टू फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिट रिस्पांसिबिलिटी के साथ किसी भी सिटीजन को दिया जाएगा द कोर्ट हैज ड्रॉन अ लिंक बिटवीन सर्वेलेंस एंड सेल्फ सेंसरशिप द नॉलेज दैट वन इज अंडर द थ्रेट ऑफ बींग स्पाइड ऑन लीड्स टू सेल्फ सेंसरशिप एंड पोटेंशियल चिलिंग इफेक्ट द चिलिंग इफेक्ट सर्वेलेंस कैन प्रोड्यूस इज एन असॉल्ट ऑन वाइटल पब्लिक वॉजडॉग रोल ऑफ द प्रेस विच मे अंडर माइन द एबिलिटी ऑफ द प्रेस टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इन फर्दर हेल्ड दैट एन इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी कोरोलरी ऑफ सच ए राइट इज टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओके सो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है ओके okay, सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको अटैच कर सकते हो या आप एग्रीकल्चर के किसी भी टॉपिक के साथ भी उसको लिंक कर सकते हो इंडिया में पिछले कई सालों से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएम क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन होता है सम ऑफ द एक्सपर्ट्स अप्रूव इट सम ऑफ द एक्सपर्ट्स डोंट सो क्या है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और क्यों अगेन ये डिस्कशन में है वी नीड टू सी दैट सो अकॉर्डिंग टू दिशन फॉर जी एम फ्री इंडिया द डिस्कवरी ऑफ फाइव हंड्रेड टोन्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इन अ कंसाइटमेंट दैट इंडिया एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन हैज़ लेड टू द लॉस ऑफ रेपूटेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स एग्रीकल्चर मार्केट तो देखिए बेसिकली एक अगर सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना हो दैट वॉट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो उसका मतलब ये है कि किसी भी नॉर्मल क्रॉप के जो नेचुरल नेचर में अवेलेबल है उसके बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक को बदल कर आप एक नया कोई क्रॉप उगाने की कोशिश कर रहे हो उसकी वैरायटी बना रहे हो अलग अलग उसको आप क्या कहोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओके आपने हिंदी में कलम करना जैसा शब्द सुना होगा कि किसी दो uh, अलग अलग स्पीशीज को कलम करके एक थर्ड स्पीशीज उगाई जाती है सो समथिंग लाइक दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओके और इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को पूरी तरह से गवर्नमेंट uh, बैकअप नहीं मिला है इट इज़ नॉट लीगल एवरीवेयर सिर्फ कॉटन के लिए बी टी कॉटन के लिए गवर्नमेंट हैज़ अप्रूवड दी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोसेस हाउ एवर इंडिया पॉइंटेड आउट दैट जी एम राइज इज नॉट ग्रोन कमर्शियल इन इंडिया

ओके okay, उनके डीएनए और उनके जो जीन्स है उसको आर्टिफिशियली साइंटिफिकली मॉडिफाइड कर दिया जाएगा और एक नई स्पीशीज़ बनाई जाएगी क्यों ऐसा किया जाता है उसके रीज़न भी हम आगे देखेंगे सो जी एम फूड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स हुज जीन्स आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड यूजअली बाई इंसर्टिंग जेन जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू गिव इट अ न्यू प्रॉपर्टी सच एज इंक्रीज यील्ड टॉलरेंस टू बेस्ट नॉन वेराइटी गोल्डन राइस गोल्डन राइस इनवॉल्व द इंसर्शन ऑफ जीन्स फ्रॉम अ प्लांट बोथ डेफोडीस एंड मेज है सॉइल बैक्टेरियम टू क्रिएट अ ग्रेन दैट इज एनरिच्ड विद विटामिन ए तो देखिए गोल्डन राइस में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है बट दैट इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल उसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके साइंटिफिकली ह्यूमन एक्टिविटी से उसको आपने उसमें डाला हुआ है इंडिया हैज़ अप्रूवड कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ ओनली वन जी एम क्रॉप दैट इज़ नोन एज बी टी कॉटन तो हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बी टी कॉटन को कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए मंजूरी दी है अगर आप बाकी का कोई कल्टिवेशन देखते हो जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का सो दैट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी दैट इज़ एन इलीगल कल्टिवेशन No GM food crop has ever been approved for commercial cultivation in the country. However, confined fields trials have been allowed for at least 20 GM crops. That includes varieties of GM rice, which would have improved resistance to insects and diseases, as well as hybrid seed production and nutritional enhancement, such as golden rice. द कॉन्स ऑफ जी एम फूड्स आर दे मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन बिकॉज दे एर अलर्टेड डी एन एंड दे में इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो ये ह्यूमन बॉडी पर नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है भले ही उसने प्लांट की या पर्टिकुलर क्रॉप की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें इंक्रीज इंक्रीमेंट दिखाया है या रेजिस्टेंस ऑफ टू डिजीज या ड्रॉट पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बड़ा है बट दैट कैन एडवर्सली इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी वाई बिकॉज इट इज नॉट नेचुरली इंसर्टेड उसको हमने ह्यूमन एक्टिविटी से साइंटिफिकली इंसर्ट किया एंड दैट्स वाई इट इज बैंड इन मेनी कंट्रीज ओके सो दिस इज दी ओवरऑल आइडिया दैट वॉट इज अ जी एम क्रॉप अ क्रॉप विच इज़ अ जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इन टू इट फ्रॉम अनदर स्पीशीज इवन अनरिलेटेड

So the first GM crop variety approved for commercialization was BT cotton, Ballgard 1, which provided immunity against the pink ballworm and developed by uh, Monsanto was given to given the go-ahead in 2002. Monsanto released Ballgard 2 in 2006. India has become the world's largest producer of cotton.

फोर्थ असेंबली ऑफ़ आई एस ए ना वॉट इज आई एस ए तो आई एस एज वी नो इट्स ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया पूरी दुनिया को लीड कर रहा है टू सेटअप द इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाउंडेड किया था इंडिया ने इसको फ्रांस के साथ तो रिसेंटली द फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज हेल्ड अ टोटल ऑफ वन जीरो एट कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द असेंबली इंक्लूडिंग सेवेंटी फोर मेम्बर कंट्रीज थर्टी फोर कंट्रीज एंड प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज ट्वेंटी थ्री पार्टनर एंड थ्री स्पेशल इन्वाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस सो द आई एस ए इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विद अ ग्लोबल मैंडेट टू कैटेलाइज सोलर ग्रोथ बाय हेल्पिंग टू रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ फिन एंड टेक्नोलॉजी तो कई बार हमने डिस्कशन किया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिक एम क्या है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कि जब जो इतना सारा फ्री में हमें अगर सोलर पावर मिल रहा है सोलर एनर्जी मिल रही है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल कमर्सलाइजेशन में किया जाए एक पूरी ने इंटरनेशनल ग्रिड बनाई जाए ग्लोबल ग्रिड बनाई जाए ताकि इंडिया जैसे कंट्रीज हु कैन बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस और हु हैव द सोलर एनर्जी अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर वो अपने यहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करके जो लो एनर्जी प्रोडक्शन वाले जो कंट्रीज है वहाँ पे एनर्जी पहुँचाई जाए विच विल बी द मोर प्योर एनर्जी ग्रीनर एनर्जी एंड चीपर एनर्जी राइट एनी वे वी जो कोल uh, के थ्रू जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर दें उसकी वजह से हमें का काफ़ी देखिए अभी जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है वो हमें फॉलो करना पड़ रहा है सो द आई एस ए इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विथ अ ग्लोबल मैंडेट टू कैटालाइज सोलर ग्रोथ बाई हेल्पिंग टू रिड्यूज़ द कॉस्ट ऑफ फिनसिंग एंड टेक्नोलॉजी आई ए एस ए को फाउंडेड बाई इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द ट्वेंटी फिफ्टीन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस हैज़ अज्यूम्ड सेंटर स्टेज फॉर इंडियाज़ अटैम्प एट अ ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप रोल तो अगर प्योर और ग्रीन एनर्जी में कोई लीडर है तो वो अब कौन बन चुका है इंडिया बन चुका है एंड इंडियाज़ जो एफर्ट्स है दोज आर अप्रिशिएटेड ऑन द इंटरनेशनल लेवल मल्टीपल टाइम्स ISA is a nodal agency for implementing one sun one world one grid osovog which seeks to transfer solar power generated in one region to feed the electricity demands of other regions. India has allotted 5 acres of land in the ISA in National Institute of Solar Power campus Gurugram and has released a sum of 160 crore for creating a corpus fund.

इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है एंड द प्रोजेक्ट हैज़ बिन गोइंग वेरी वेल और गवर्नमेंट के एफर्ट्स की इंटरनेशनल लेवल पे कई बार तारीफ हो चुकी है वी हैव वॉन मल्टीपल एनर्जी अवार्ड्स इन दिस फील्ड जो फोर्थ असेंबली हो इसके हाईलाइट्स क्या थे तो सोलर इन्वेस्टमेंट पे बात की गई सो प्रॉमिस टू अचीव वन ट्रिलियन यूएस डॉलर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी बाई ट्वेंटी तो सारे जो कंट्रीज़ हैं वो मिल के यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसको वन ट्रिलियन यू डॉलर तक पहुँचाने का गोल रखा गया है अ सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा एंड अ सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप विल बी लॉन्च एट सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि अभी ऑन गोइंग है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड Gave a green light to the One Sun political declaration for the launch of Green Grids initiative One Sun, One World, One Grid at COP26. Also, what is it? So, the concept of a single global grid for solar was first outlined at the first assembly of the ISA in late 2018. COP26 Green Grid Initiative. What is it? So, the aim of this initiative is to help achieve the peace. एंड स्केल ऑफ रिफॉर्म्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स नीडेड टू अंडर पिन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन देखिए इंडिया जैसे कंट्री में अगर ऐसा मार्केट बूस्ट uh, होता है तो इंडिया की इकोनॉमी को भी फायदा होगा लोकल इकोनॉमी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिलेगा और साथ साथ मल्टीपल जॉब्स विल बी क्रिएटेड जो कि इंडिया जैसे कंट्री में बहुत बड़ी बात है राइट right? सो so, इंडिया इज़ ट्राइंग फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा है एंड इंडिया कैन लीड द एंटायर ग्लोब और साथ साथ डोमेस्टिक फ्रंट पे इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सकता है अपने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को स्ट्रांग कर सकता है और साथ साथ लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको भी बेहतर बना सकता है बाय प्रोवाइडिंग देम द जेनरस एम्प्लॉयमेंट न्यू आई एस ए प्रोग्राम्स क्या है सो न्यू आई एस ए प्रोग्राम्स लॉन्च ऑन मैनेजमेंट ऑफ सोलर पी वी पैनल्स एंड बैटरी यूजेज वेस्ट एंड सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम द न्यू हाइड्रोजन इनिशिएटिव इज aimed एट enabling द यूज़ ऑफ solar इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एट मोर affordable रेट देन what इज अवेलेबल करंटली दैट इज़ यू एस डॉलर फाइव पर के जी बाई ब्रिंगिंग इट डाउन टू यू एस डॉलर टू पर के जी तो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है इंडिया ने खुद अपने बजट से सौ करोड़ रुपए निकाल कर हाइड्रोजन पॉलिसी के लिए दिए हैं कि हाइड्रोजन का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके सो so, इंडिया इसके लिए ट्रेनिंग ले रहा है जापान और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज से सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल सोलार अलायंस और उनकी नई समिट के बारे में सम सोलर एनर्जी इनिशिएटिव ऑफ इंडिया सो नेशनल सोलार मिशन टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी बाई क्रिएटिंग द पॉलिसी कंडीशन फॉर इट डिफ्यूजन अक्रॉस द कंट्री एस क्विकली ये पॉसिबल तो इंडिया का भी अच्छा काम कर रहा है आई एन डी सीज टारगेट इट टारगेट्स इंस्टॉलिंग हंड्रेड गीगा वॉट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स बाई द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिस इज इन लाइन विद इंडिया इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टारगेट टू अचीव अबाउट फोर्टी परसेंट क्यूम्यूलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्राम नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सिस एंड टू रिड्यूज़ द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द जी डी पी बाई थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ फ्राम टू थाउजेंड फाइव लेवल बाई ट्वेंटी थर्टी आई ए एस एंड ओसोवोक के बारे में डिस्कस्ड सो गवर्नमेंट की कौन सी कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट ने सोलार पार स्कीम बनाई है सेंट्रल बैंक एंड कैनाल टॉप स्कीम बनाई है बिल्डिंग स्कीम बनाई है ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप स्कीम बनाई है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है सो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन टी पी सी साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू सेटअप द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाई द इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज़ अ लोअर कार्बन फुटप्रिंट ओके किसानों को अच्छी तरह की कांस्टेंट uh, बिजली मिल पाए उसके लिए कुसुम योजना को लॉन्च किया गया है रूफटॉप सोलर पावर को लॉन्च किया गया है ताकि हर घर एक पावर हाउस बनाया जा सके सो गवर्नमेंट मल्टीपल फ्रंट पे डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट uh, लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग एजेंसीज के थ्रू ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है इट्स विजिबल गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है वो विजिबल है एंड दोज आर वेरी वेरी गुड एफर्ट्स पॉजिटिव एफर्ट्स नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन और वो हमें बात करनी है कि ट्वेंटी के नोबल प्राइजेज द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड किसको दिए गए है तो पहले तो जान लेंगे कि भाई नोबेल प्राइज क्यों है क्या क्यों दिए जाते हैं कौन से कौन से फील्ड में दिए जाते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड सो द विल ऑफ द स्वीडिश साइंटिस्ट स्वीडिश साइंटिस्ट मतलब स्वीडन का जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल तो उनकी विल में ये लिखा गया था कि फ़ाइव नोबेल प्राइजेस 1895 में इस्टेब्लिश किए गए और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1901 1901 से देना स्टार्ट किया गया ना हुई इज़ दी अल्फ्रेड नोबेल तो अल्फ्रेड नोबेल ने केमिस्ट्री uh, में वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे केमिस्ट थे uh, उन्होंने डायनेमाइट की खोज की थी अब डायनेमाइट की खोज करने के बाद uh, उनका जो एम्बिशन था वो टोटली totally डिफरेंट था कि पीस पर्पज से डाइनेमाइट को यूज़ किया जाएगा बट हर कोई कंट्री ने वॉर के लिए और दूसरे कंट्री को डराने के लिए डायनेमाइट का इस्तेमाल किया तो इससे आ, अपने आप को बाहर लाने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट 1901 से एवरी ईयर इन फाइव मेजर सब्जेक्ट और फील्ड नोबेल प्राइज़ देता है कुछ सालों बाद इन 1968 इकोनॉमिक्स को भी इसमें जोड़ा गया और 1969 से इकोनॉमी में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है सो द नोबेल प्राइजेज आर अ सेट ऑफ रिकग्निशन गिवन टू फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री लिटरेचर पीस फिजिक्स साइकोलॉजी और मेडिसिन बाय द नोबेल फाउंडेशन द नोबेल फाउंडेशन इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश इन 1900 हंड्रेड हैज़ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुलफिलिंग द इंटेंशन इन आल्फ्रेड नोबेल विल द प्राइजिज इन केमिस्ट्री लिटरेचर पीस फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन वर फर्स्ट अवार्डेड इन 1901 1901 में पहली बार दिया गया इन 1968 सिक्सटी एट रिक्स बैंक प्राइज एस्टाब्लिड द स्वेरीगेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल और 1969 में पहला इकोनॉमिक साइंस का अवार्ड uh, दिया गया इन जनरल टर्म्स वी कॉल उसको भी हम नोबेल प्राइज़ ही गिनेंगे बट उसका ओरिजिनल जो नाम है दैट इज़ रिक्स बैंक प्राइज ओके चलिए कौन से कौन से फील्ड में किसको किसको मिला है और क्यों मिला है वो हमें देखना है सो so, पहली बात करेंगे कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है सो so, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो प्राइस है वो वन बाई टू वन बाई टू मीनिंग हाफ हाफ़ प्राइस बांटा गया है दो लोगों के बीच में और वो है डेविड जूलियस और आरडेम पेटा पोशन डेविड जूलियस को क्यों दिया गया है फॉर दर डिस्कवरीज़ ऑफ़ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच तो इन्होंने टेम्परेचर और टच के जो रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में आ, उनकी डिस्कवरी की है एंड दैट्स वाई उनको नोबेल प्राइज दिया गया है आर आर्ड पेटापोशन को भी फॉर द सेम डिस्कवरी ओके okay? और जो टच रिसेप्टर्स है उनका नाम क्या है उनको नाम दिया गया है टी आर पी वी वन ओके okay? आप कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा दे तो क्यों तुरंत रिएक्ट करके वाई यू टेक बैक योर हैंड हैं? वॉट काइंड ऑफ मेकेनिज्म इज देर व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स आर देर इन योर बॉडी उनकी खोज इन्होंने की है और जो टेम्परेचर के जो रिसेप्टर्स है उनको नाम दिया गया है पी आई ई जेड ज़ीरो वन और पी आई ई जेड ज़ीरो टू ओके सो इनकी वजह से आ, इनको ये दिया गया है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन किस को दिया गया है सो so, वो दिया गया है तीन लोगों को पहला है स्युकुरो मनाबे क्लाउज हेसलमेन इन दोनों को वन बाई फोर्थ वन बाई फोर्थ प्राइज़ बांटा जाएगा और थर्ड इज जॉर्जियो पेरिसी चलिए स्यूकारो मनाबे को क्यों दिया गया है यह प्राइस सो फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग तो इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बड़े अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया था स्यूकारो मनाबे और क्लाउज हेसलमेन ने उनकी वजह से इन दोनों को वन बाई फोर्थ वन बाई फोर्थ प्राइज़ दिया गया है मीनिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट प्राइज शेयर इनको दिया जाएगा जॉर्जियो परिसी ने जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है उनका स्टडी किया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ़ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम्स फ्रॉम एटोमिक टू प्लेनेटरी स्केल्स तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम Uh, के जो इंटर कनेक्शन हैं उनको इन्होंने स्टडी किया है इसीलिए उनको 50 परसेंट प्राइज शेयर दिया गया है इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री तो वो दो लोगों में बांटा गया है दैट इज़ बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन इनको क्यों दिया गया है क्योंकि इन्होंने एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट की खोज की है ना वॉट इज़ कैटालिस्ट तो कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट इट विल बूस्ट अप द रेट ऑफ प्रोसेस ठीक है वो रेट ऑफ प्रोसेस को फास्टर करेगा तो उन्होंने ग्रीनर ऑर्गेनो कैटालिस्ट की खोज की है विच विल ब्रिंग द रिवोल्यूशन इन द फार्मा वर्ल्ड जो दवाइयाँ बनाने की जो प्रोसेस है उनमें इससे काफ़ी मदद होगी एंड दैट्स वाई उनको केमिस्ट्री का नोबेल uh, प्राइज़ दिया गया है उनका शेयर होगा फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट इज़ द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो कि दिया गया है अब्दुलरजाक गुरनाह को क्यों दिया गया है फॉर हिज़ अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपेशनेट पेनेट्रेशन ऑफ़ दी इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज़म एंड द फेट ऑफ द रेफ्यूजी इन द गल्फ़ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स तो किसी सोसाइटी पर अगर किसी पर्टिकुलर कॉलोनी रूल करती है तो उनके डे टू डे लाइफ में उनके ओवरऑल सोशल लाइफ में और लॉन्ग टर्म पीरियड में उनका जो लाइफ है वो कैसा होगा उसके क्या क्या इफेक्ट हो गए उसके ऊपर इन्होंने नॉवल लिखी है इसके लिए उनको नोबल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइस तो नोबेल प्रीस पीस प्राइज दो जर्नलिस्ट को दिया गया है दिमित्री मुराटो फ्रॉम रशिया एंड मारिया रेसा फ्रॉम फिलीपींस क्यों क्योंकि इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अपनी अपनी कंट्रीज़ में लड़ाइयाँ लड़ी है फॉर दर एफर्ट्स टू सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस तो इनको भी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट नोबेल प्राइज बांटा जाएगा नेक्स्ट जो है दैट इज द इकोनॉमिक प्राइज़ और उसको नाम दिया गया है द स्वेरी रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन द मेमोरी ऑफ आल्फ्रेड नोबेल 2021 ओके okay? वो दिया गया है तीन लोगों में बांटा गया है डेविड कार्ड जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस तो डेविड कार्ड को क्यों दिया गया है फॉर हिज एम्पेरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स तो लेबर इकोनॉमिक्स के जो लॉज है जो प्रडिक्शंस है उनके ऊपर इन्होंने स्टडी किया है इसके लिए उनको ये प्राइज दिया गया है नेक्स्ट जो जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेन्स है उनको क्यों दिया गया है फॉर देयर मेथडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप ओके सो उनको 25 परसेंट शेयर दोनों को दिया जाएगा नोबल प्राइज कैन बी डिवाइडेड टू मल्टीपल पीपल्स राइट तो वो मल्टीपल लोगों को दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंगली कमिटी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है ओके सो दीज आर ऑल द फील्ड्स छः सब्जेक्ट जहाँ पे आपको नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एक बार जस्ट नाम याद रख लीजिए और क्यों इनको मिला है वो याद रख लीजिए एंड देट विल बी मोर देन इनफ और एक चीज़ आपको होमवर्क में याद रखनी है कि इंडिया से अब तक कितने लोगों को नोबेल uh, प्राइजेज मिला है पहली बार 1913 में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था और लेटेस्ट इकोनॉमिक्स uh, का नोबेल प्राइज भी हमें मिला है अभिजीत बनर्जी को वो रहते हैं यूएसए में है बट ही इज़ एन इंडियन सिटीज़न तो उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बाद किसी इंडियन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है सो यूनिट टू मेक अ लिस्ट कि इंडिया में किसको किसको अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है मल्टीपल uh, पर्सनालिटीज़ है कैलाश सत्यार्थी को पीस में मिला था सीवी रमन को मिला है अमर्त्य सेन को मिला है हरगोविंद खुराना को मिला है ओके सो ये सारी एक बार लिस्ट बना लीजिए और कौन से फील्ड में कब उनको नोबेल प्राइज़ मिला है उसका एक लिस्ट बना लीजिए देट विल बी मोर देन इनफ सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स प्लीज लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू